तो दोस्तों कैसे आप लोग, आई होप काफी अच्छे होंगे आप लोग भी। सो फ्रेंड्स, मिलेगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए। आज मैं बात करूंगा बजाज पल्सर 125 जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है। इसके 5 एडवांटेज जिस कारण से आपको ये बाइक लेनी चाहिए और ये हार्ड कोर पल्सर के एडवांटेजेस है और सच में ये एडवांटेज बहुत काम के है। तो फ्रेंड्स आखिरी तक वीडियो देखिए, बिल्कुल मत मिस करिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मेरा नाम रूपम और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल दैट इज रूपम ब्लॉग्स। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का, उसको जैसे क्लिक करके ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। बेल आइकन उसको भी क्लिक करना ना भूले, वीडियो की नोटिफिकेशन आएंगे। सो फ्रेंड हम वेस्ट नहीं करते टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों हर गाड़ी की कुछ ना कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, लेकिन आज मैं इस वीडियो में पल्सर 125 के एडवांटेजेस कवर करूंगा और ये हार्डकोर एडवांटेजेस है, मतलब ये बहुत पहले से ही एडवांटेजेस है पल्सर के। सबसे पहले एडवांटेज की बात करूं वो है वैल्यू फॉर मनी। ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, ये लिख के ले लो, बिकॉज जो प्राइस पॉइंट में आपको फैसिलिटी प्लस जो फिट एंड फिनिश आपको इस गाड़ी मिलती है वो आपको 125 सीसी सेगमेंट में कोई दूसरी गाड़ी प्रोवाइड भी नहीं करती है। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक आता है ड्रम, एक आता है डिस्क। अगर ड्रम देखेंगे तो 64,000 का आता है और डिस्क देखेंगे तो 66,618 रुपीस का आता है। जो मेन कंपटीशन है वो तो आप लोग को पता ही है शाइन 125 से, लेकिन ट्रस्ट में जो डिजाइन वाइज देखेंगे ना तो पल्सर ज्यादा मैच्योर्ड लगती है, ज्यादा बड़ी लगती है एज कम्पेयर टू शाइन। और ये जो पल्सर है ये एक्चुअली इनका जो फोकस है वो यंगस्टर के ऊपर ज्यादा है, तो उस सब देखा जाए तो काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती है, क्योंकि इंजन तो अच्छा मिलता ही मिलता है, पावरफुल इंजन मिलता है, प्लस आपको इसमें मिलता है फ्लिट हैंडल बार, प्लस आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन, आपको मैट फिनिश, आपको कलर मिलता है, मतलब बहुत सारे फैसिलिटी आपको कम प्राइस में मिलती है। और इसका प्राइस इतना कुछ ज्यादा नहीं है पल्सर का, ऑलमोस्ट सिमिलर है शाइन के कंपेरिजन में। और दूसरे एडवांटेज की बात करूं तो वो इसका पावर और इसका रिलायबल इंजन। जैसे कि आप लोगों को पता है ये 125 सीसी सेगमेंट में अगर देखा जाए तो KTM को हटा दीजिए, उसके अलावा जो दूसरी 125 सीसी सेगमेंट की जो बाइक्स है उसके कंपैरिजन में पल्सर 125 का पावर ज्यादा है दूसरे बाइकों के, और प्लस टॉर्क भी ज्यादा है। इसमें 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर DTS इंजन लगा जो कि पावर आउटपुट निकालता है 11.8 BHP का पावर आउटपुट एट द रेट 8500 RPM। और इस गाड़ी में आपको जो टॉर्क मिलता है वो भी काफी इंप्रेसिव लगता है, दैट इज 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क एट द रेट 5000 RPM। और इसमें आपको मिलता 5 स्पीड गियर बॉक्स। और अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की रिलायबल इंजन की तो इंजन सच में इसका बहुत रिलायबल है। मैंने बहुत पहले 220 देखी थी, बहुत पहले 150 देखी थी, लेकिन आज भी लोग वो गाड़ी चला रहे हैं और अभी भी अच्छी कंडीशन में है, दैट मीन्स इंजन का क्वालिटी अच्छा है पल्सर का। अगर मैं थर्ड एडवांटेज की बात करूँ वो है इसके कलर। यस, आपको एग्जैक्ट 150 वाली जो गाड़ी है वैसा ही कलर आपको देखने को मिलता है इस गाड़ी में। नियॉन ब्लू कलर मिलता है, रेड कलर मिलता है और आपको सिल्वर पैटर्न मिलता है। जो नियॉन ब्लू है वो आपको मैट फिनिश में मिलता है, बाकी जो रेड और जो सिल्वर है वो आपको ऑसी ब्लैक आपको मिलता है, कॉम्बिनेशन के साथ आपको मिलता है। जो फोर्थ एडवांटेज की बात करूं जिस कारण सबको गाड़ी लेनी चाहिए वो है इसका सर्विस इंटरवल एंड द सर्विस लोकेशन। यस, दोनों ही काफी अच्छी मिल जाती है। इसका सर्विस इंटरवल एज कम्पेयर टू अदर 125 सीसी इसका जो सर्विस इंटरवल है थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स। और अगर मैं बात करूं इसके सर्विस सेंटर की तो उसकी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जितने शाइन के आउटलेट्स है उतना आपको पल्सर के भी आउटलेट्स मिल जाएंगे। आउटलेट्स, वर्कस्टेशन, सारी चीज आपको जितने शाइन के उतने आपको इस गाड़ी के भी मिल जाएंगे, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका जो फिफ्थ एडवांटेज है जिस कारण से आपको पल्सर 125 लेना चाहिए वो है इसके स्पेयर पार्ट, मतलब रीजनेबल स्पेयर पार्ट और इसका रीसेल वैल्यू। ये दो चीज मैंने एक ही में एड ऑन कर दिया है। इसके जो पार्ट्स है वो काफी अच्छे अवेलेबल हो जाते हैं, ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है। अगर आपके कुछ भी गाड़ी का डैमेज होता है तो पार्ट्स इजीली अवेलेबल है और हर शोरूम में अवेलेबल है। अगर नहीं भी है तो विद इन 1 वीक के अंदर आपको अवेलेबल हो जाता है, दैट मीन्स गाड़ी के मतलब कुछ भी ब्रेकडाउन होने पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप सर्विस सेंटर जा सकते हो। और दूसरी चीज, इस गाड़ी का रीसेल वैल्यू काफी अच्छा होगा, क्योंकि पल्सर की जितनी भी सीरीज है उसके रीसेल वैल्यू काफी अच्छी है। शाइन जितना नहीं है, शाइन से कम है, लेकिन आपको रीसेल वैल्यू तो अच्छी मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि एकदम ही बिल्कुल भी नहीं मिलती, अच्छी खासी मिल जाती है पल्सर की। सो फ्रेंड्स, ये रहा इसके 5 ऐसे एडवांटेज जिस कारण से आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए। अगर मेरे से कोई एडवांटेज अगर इस गाड़ी का छूट गया तो वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो अबाउट पल्सर 125? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना। और इस बाइक रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव कुछ भी हो तो प्लीज ये इंस्टाग्राम के जो हैंडलर दिख रहा है उसको फॉलो करिए। विद इन 24 आवर्स, विद इन 48 आवर्स मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा अगर आप लोगों ने मैसेज किया है तो। सो फ्रेंड्स, आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट रिव्यू, कुछ भी हो सकता है। टिल देन बाय एंड चाओ।